नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा में कोरोना संक्रमण के पहले दिन से गरीब निराश्रित लोग को भोजन वितरित कराने वाले पत्थर व्यवसाय संघ का आयोजन 40 दिन बाद आज संत पूजन के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर गंज बसौदा हनुमान मंदिर के महंत महेश्वर दास त्यागी नलक आश्रम पचमा हनुमान मंदिर के साथ अनेक साधु संत उपस्थित रहे, जिनका पत्थर व्यवसाय संघ ने रोली चावल लगा करके पूजन किया। त्यागी जी महाराज ने संघ के इस आयोजन की प्रशंसा की। वहीं पत्थर संघ द्वारा समापन के अवसर पर सभी मीडिया के सदस्यों का भी स्वागत किया गया। साथ ही विश्वास दिलाया गया कि अगर जरूरत लगेगी तब पत्थर संघ पुनः भोजनशाला का सुचारू रूप से प्रारंभ कर देगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। संतों के आशीर्वाद के साथ हो तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आज इस भोजन केंद्र पर हमारे बीच शहर की पत्थर व्यवसायी द्वारा भोजन वितरण का कार्यक्रम समापन किया जा रहा है और प्रशासन ने भी और कई समितियों ने भी बासदा के अंतर्गत भोजन वितरण किया गया है, उनके लिए क्या संदेश है? अरे बिल्कुल बधाई की बात है भाई, इसमें क्या कहना। कहते हैं मनुष्य गिर जाए तो जानवर बन सकता है, रूठ जाए तो देवताओं के लिए भी वंदनीय। तो ये जो सत्कार किया, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। मुझे मालूम है हम घर से भागे थे एक बार, तो दो तीन दिन भूखे ही रहे थे और कैसी भूख होती है मुझे अच्छी तरह पता है। तो इन व्यापारी बंधुओं ने, पत्थर वालों ने या जो भी कर रहे हैं, और उनको खूब खूब साधुवाद। बंधुओं, आपने जो अन्न की सेवा की है, निश्चित परमात्मा आपसे और खुश होगा। इस देशभक्ति भी ये है और बस मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान आपको सुखी रखे, ये मेरी आत्मा से प्रार्थना है। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।